और इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। मणिपुर में असम राइफल के अफसर और परिवार पर उग्रवादियों ने घात लगाकर हमला किया है। हमला आज सुबह 10 बजे शेखन बेहियांग पुलिस स्टेशन के इलाके में हुआ। 40 असम राइफल के कमांडिंग अफसर अपने परिवार और क्यूआरटी के साथ जा रहे थे, तभी यह हमला उन पर कर दिया गया। हमले में हताहत भी हुए हैं। सेना की तरफ से अभी हताहतों की संख्या की जानकारी यहां पर साझा नहीं की गई है। ऑपरेशन लेकिन जारी है। तो मणिपुर में बड़ा उग्रवादी हमला यहां पर हुआ है। असम राइफल के अफसर पर यह हमला सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। हमारे से योगी इस वक्त जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पर? देखिए, आज सुबह तकरीबन 10 से 10:30 के बीच में 46 असम राइफल के जो कमांडिंग ऑफिसर है वो कहीं से वापस लौट रहे थे और उनके साथ उनका परिवार भी था, उनकी पत्नी, उनके बच्चे भी थे, साथ ही क्यूआरटी भी चल रही थी। लेकिन उस क्यूआरटी पर जो घात लगाकर हमला किया गया, बताया जा रहा है अभी तक कि हो सकता है कि आईडी से जो है इसको अटैक किया गया है। हालांकि हताहत हुए हैं, लेकिन सेना की तरफ से अभी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है कितने हताहत हुए। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसमें कमांडिंग ऑफिसर, उनका परिवार और क्यूआरटी में शामिल 3 जवान जो है उनके मारे जाने की खबरें आ रही है। लेकिन अभी तक सेना की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, ना जानकारी दी गई है इस तरीके की। लेकिन ऑपरेशन अभी जारी है और बताया जा रहा है कि जो वैली बेस्ड जितने भी ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप हैं उन्होंने इस तरीके के हमले को अंजाम दिया। पिछले साल भी इसी तरीके के हमले को अंजाम दिया गया था और मणिपुर में इस तरीके के एम्बुश जो है वो असम राइफल्स और आर्मी के ऊपर जो है लगातार होते रहे हैं। लेकिन ये पिछले साल के बाद अब जाके इतना बड़ा हमला किया गया और बताया जा रहा है कि कमांडिंग ऑफिसर अपने परिवार सहित जो है इस में घायल हो गए थे और जो जानकारी मिल रही है उसमें ये है कि उनके मौत हो गई। आप नजर बनाए रखिएगा संदीप, आगे भी आपके जरिए दर्शकों तक जानकारी पहुंचाएंगे। और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि एक बड़ा हमला यहां पर किया गया, सोची समझी पूरी साजिश के तहत ये हमला अवसर पर किया गया है। तो मणिपुर में एक बड़ा उग्रवादी हमला यहां पर नजर आ रहा है और किस तरह से ये पूरा हमला यहां पर किया गया है ये जानकारी भी हमारे सहयोगी संदीप हमें दे रहे थे। असम राइफल्स के अवसर पर हमला किया गया और एक पूरी तरह से जो प्लानिंग पहले की गई थी अवसर पर घात लगाकर हमला यहां पर किया गया। असम राइफल के अफसर है जिन पर यह हमला किया गया उग्रवादियों के जरिए। फिलहाल आधिकारिक तौर पर अभी जानकारी जो है वो निकलकर सामने नहीं आ रही कि किस तरह से घायलों की संख्या है क्या है, लेकिन हमले में पत्नी और बच्चे की मौत हो गई। हमले में 3 जवानों की भी मौत की ये खबर है। सोचिए किस तरह से ये बड़ा उग्रवादी हमला यहां पर किया गया। मणिपुर में बड़ा उग्रवादी हमला किया गया है। असम राइफल्स के अफसर पर यह हमला घात लगाकर उग्रवादियों के जरिए किया गया जिनमें उनकी पत्नी की जान चली गई और परिवार पर यह हमला किया गया।